वेलकम टू अवर चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लास्ट लास्ट कुछ दिनों से 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं। 11th एंट्रेंस बेटा, अगर आप लोग 11th एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हो। और चाहे आप 11th एंट्रेंस एएमयू का टारगेट कर रहे हो, चाहे 11th एंट्रेंस आप जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या 11th एंट्रेंस आप बीएचयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो। चाहे आप 11th एंट्रेंस एएमयू की तैयारी कर रहे हो, या फिर 11th एंट्रेंस जामिया को टारगेट कर रहे हो, या फिर बीएचयू, और इसके अलावा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो जहां पर आप 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो साइंस में, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। और जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हो, मेरा नाम है जैद अनवर और मैं आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर इस प्लेटफॉर्म पर रहूंगा। और हम लोगों ने जो इसके लिए कवर कर लिया है वो मैथ्स का एक चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू चैप्टर का दे दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे फॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन एएमयू में और जामिया में पूछे जाते हैं। हम लोग 10th के चैप्टर पहले इस वजह से कवर कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये भी है कि जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उन लोगों के भी एग्जाम है, तो हम बोर्ड्स को भी टारगेट करके यहां पर चल रहे हैं। बोर्ड्स के साथ साथ हम 11th एंट्रेंस को भी टारगेट साथ में कर रहे हैं। इस वजह से जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं वो 9th के चैप्टर मैंने नहीं स्टार्ट करे, मैं आपके साथ जो स्टार्ट कर रहा हूं वो इस वजह से 10th वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि बोर्ड वाले बच्चों की प्रिपरेशन भी होती रहे और साथ में हम 11th एंट्रेंस को टारगेट भी यहां आसानी के साथ कर पाए। ठीक है, नाउ 11th एंट्रेंस के साथ साथ जो बच्चे ये चाहते हैं कि वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का भी एंट्रेंस देंगे, तो मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में 11th एंट्रेंस का पेपर और डिप्लोमा का पेपर एएमयू में एक ही होता है, एएमयू में एक ही पेपर आता है, और जामिया इसके लिए अलग पेपर कराता है। यानी आपको जामिया में अगर 11th एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसका अलग एग्जाम होगा, और अगर आपको जामिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है तो उसका अलग एग्जाम होगा। तो अगर आप 11th एंट्रेंस के साथ साथ डिप्लोमा की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो, क्योंकि उसका भी सेम सिलेबस है। ठीक है, नाउ हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर कर लिया है और आज की क्लास में बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी क्लास 10th का चैप्टर है, वो हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, लेट अस नो, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हमारा ये जो नाम है चैप्टर का वो है लीनियर प्लस इक्वेशन। तो पहले लीनियर प्लस इक्वेशन वर्ड को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे आएंगे कि व्हाट इज इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या है, क्या ये वन वेरिएबल में भी हो सकता था? हाँ, क्लास 9th में हमने देखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन क्लास 10th में हमारे पास यही चैप्टर एक थोड़ा सा सरप्लस नाम से आ गया है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले हम लीनियर इक्वेशन समझेंगे, और जिन लोगों ने मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो देखी होगी वो बहुत बखूबी जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए, लीनियर इक्वेशन जो वर्ड है बेटा वो दो 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 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ये जो नाम है लीनियर इक्वेशन वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो इसमें ये इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब है इक्वालिटी, और इक्वालिटी का मतलब है इक्वल साइन। ये इक्वेशन का मतलब है, इक्वेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि इक्वालिटी हो, इक्वल साइन हो। अगर किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में आपको इक्वल साइन दिख रहा है, इक्वल साइन वहां मौजूद है, तो वो इक्वेशन लिखी हुई है। डजंट मैटर कि वो कैसी इक्वेशन है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन और इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन और इट इज अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो एक अलग मसला है, वो बाद में देखेंगे कि किस तरह की इक्वेशन लिखी हुई है, बात की बात है। सबसे पहले
कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने आया, आपको उसको देख करके ये क्लैरिटी आ जाए कि ये इक्वेशन है या नहीं है। तो इक्वेशन है या नहीं है, यस और नो, इस बात का जवाब कैसे देंगे? इक्वल साइन को देख के। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल साइन मौजूद है, इक्वल साइन मुझे दिख रहा है, तो वो इक्वेशन है, ठीक है। अगर इक्वल साइन नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं है, क्लियर है। तो लीनियर इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है, इसका मतलब है हमें इक्वल साइन दिखना चाहिए। ओके, क्लैरिटी आ गई। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर, ये जो लीनियर वर्ड है इसका मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है बेटा, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी वन। अगर वेरिएबल की हाइएस्ट पावर वन है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक में मैंने क्या बोला था, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाइएस्ट पावर टू होनी चाहिए। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो था। वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है और हाइएस्ट पावर एक्स की क्या थी? टू, इसीलिए उसको क्वाड्रेटिक बोल रहे थे। लेकिन यहां पर जो भी वेरिएबल हमारा यूज हो रहा होगा उसकी हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। नाउ हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं। डिग्री इज व्हाट? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो अगर डिग्री हमारी वन है, इफ डिग्री इज इक्वल टू वन, देन द इक्वेशन इज लीनियर। तो इक्वेशन क्या होगी? लीनियर होगी। लीनियर कब होगी? अगर डिग्री वन है। अगर एक डिग्री की इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर वन है, नाउ डिग्री एक होनी चाहिए वेरिएबल की, तो वो जो इक्वेशन लिखी हुई है दैट इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नाउ मैं यहां पर एक एग्जांपल दूं कि एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू 4, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आंसर इज यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो कौन है? एक्स। एक्स हमारा वेरिएबल है और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर, एंड इक्वल साइन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एक और एग्जांपल, मैं लगा वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4y, ये लेगा। यहां पर वेरिएबल कौन है? वाई है, और वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? इसकी भी वन है और इसकी भी वन है, तो यहां भी वन है ना। जो वेरिएबल है वो वाई है और उसकी हाईएस्ट पावर वन है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ बहुत और से देखेंगे, बहुत समझ के देखेंगे कि भाई दोनों लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल है और दोनों एग्जांपल में एक वेरिएबल यूज हो रहा है। यहां पर वेरिएबल कौन है? एक्स। यहां पर वेरिएबल कौन है? वाई। ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी बोथ ऑफ देम, ये दोनों किसके एग्जांपल है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? एक वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में लिखा हुआ है। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे चैप्टर का तो नाम ये है। अब तक आपने क्या समझाया सर? अब तक मैंने आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ ये जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी इक्वेशन भी होगी, इक्वल साइन भी होगा, लीनियर भी होगी, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होगी, बट इन टू वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स यूज होंगे वो दो है, एक्स भी होगा और वाई भी होगा। क्लैरिटी आ रही है? पहले नाम का मतलब समझ में आ जाए फिर इसके अंदर घुसेंगे, ठीक है। नाउ एक बार दोबारा से मेरे साथ साथ आप बोलोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन है दैट्स व्हाई इक्वल साइन होना चाहिए, क्लियर है। लीनियर है, लीनियर का मतलब
लीनियर का मतलब जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी डिग्री वन होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी सर ये लीनियर इक्वेशन जो लिख रहे हो वो दो वेरिएबल्स में होनी चाहिए, यानी देयर शुड बी टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स ही हो, एक वेरिएबल एक्स हो और दूसरा वेरिएबल वाई हो, या फिर एक वेरिएबल वाई हो दूसरा जेड हो, या फिर एक वेरिएबल जेड हो दूसरा ए हो, दो वेरिएबल हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मैं यहां लिख रहा हूं एग्जांपल अपनी मर्जी से, तो एक मैंने यूज करा एक्स प्लस फोर, एक यूज करा वाई इज इक्वल टू एट। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है? हाँ भाई। क्यों? क्योंकि इक्वल साइन है, दैट्स व्हाई इक्वेशन। ठीक है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है तो टू वेरिएबल्स हो गया, और लीनियर है, इसकी क्या गारंटी है भाई? एक्स की डिग्री भी वन है, वाई की डिग्री भी वन है, दोनों वेरिएबल की डिग्री वन है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है। और लीनियर इक्वेशन किस में है? टू वेरिएबल में। और एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखा वाई इज इक्वल टू एट प्लस टू जेड, क्या ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यस, इक्वल साइन है, दैट्स व्हाई इक्वेशन। दो वेरिएबल है वाई और जेड, और दोनों वेरिएबल की डिग्री वन है, वाई की डिग्री वन है, जेड की डिग्री वन है, तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल। आई होप सो आपको क्लैरिटी आ गई होगी। हमें अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पढ़ने हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी, जो क्लास नाइन्थ की बात है वो बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड्स वाले बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं, इस वजह से पहले टेंथ वाला चैप्टर देख रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके सामने, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको एक क्लैरिटी दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट अस टेक एन इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? Yes, it is a linear equation in two variable. क्योंकि इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये linear equation बोल रहा हूं, और ये linear equation two variables में, ये linear equation two variables में, क्यों? क्योंकि x है, y है, दो variable हो गए और दोनों की highest power one है, equal sign है, That's why it is linear equation in two variable. अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम graphical representation पढ़ने की कोशिश करेंगे, graphical representation, ठीक है, हम लोग graphical representation पढ़ेंगे कि किसी भी linear equation in two variable का graph कैसा होगा, जब graph plot होगा तो क्या क्या पॉइंट्स हमें समझने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हमें मिलेंगे, किन किन खास बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब सवाल ये आया, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हो तो ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ के लिए पहला सवाल, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, कैसे ग्राफ को प्लॉट करें, पहला सवाल, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू फोर है, मेरे पास दो वेरिएबल आ गए, एक आ गया x, एक आ गया y, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। नाउ वो पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मुझे कम से कम दो पॉइंट्स चाहिए, है ना, दो पॉइंट्स अगर मुझे मिल गए तो फिर मैं आसानी से एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। अब प्लॉट जब ग्राफ को करना है तो कैसे करें और कैसे वो पॉइंट्स को ढूंढें, ना आप अपनी मर्जी से एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, वाई की वैल्यू आ जाएगी, अपनी मर्जी से एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, वाई की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप
वाई की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कुछ भी आपकी मर्जी है। तो मेरे पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, ठीक है। नाउ हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं और एक तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान। एक बार एक्स जीरो ले लो, एक बार वाई जीरो ले लो, काम हो जाएगा। अगर मैं एक्स जीरो ले लेता हूं, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, नाउ अगर मैं एक्स जीरो लेता हूं, बहुत गौर से देखेंगे, अगर एक्स जीरो हो गया इस इक्वेशन में, तो जीरो प्लस वाई इक्वल टू फोर, वाई इज इक्वल टू फोर। बात समझ में आ रही है? आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन आसान आसान तरीका और शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, वो ये है कि आप एक बार x को जीरो ले लो, y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y को जीरो ले लो, x की वैल्यू आ जाएगी। दो पॉइंट चाहिए ना। तो अगर मैं x जीरो रखता हूं, तो जीरो प्लस y इक्वल टू फोर, y इज इक्वल टू कितना आ गया, फोर आ गया। अब y को अगर मैं जीरो रखता हूं, अगर y को जीरो रखता हूं, तो x प्लस जीरो इक्वल टू फोर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी। तो मेरे पास दो पॉइंट आ गए। एक पॉइंट क्या आया कि अगर x जीरो है तो y फोर है, जीरो कॉमा फोर। दूसरा पॉइंट क्या आया, अगर x 4 है तो y 0, 4 कॉमा 0। बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। आप इसके अलावा कोई भी पॉइंट ले सकते थे, लेकिन आसान तरीका यह है कि आप एक बार x 0 कर लो और एक बार y 0 कर लो। तो मैंने एक बार x को 0 करा तो y की वैल्यू 4 आई, 0 कॉमा 4 एक पॉइंट आ गया। एक बार y को 0 करा तो x की वैल्यू 4 आई, 4 कॉमा 0 दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। यानी आ गया मेरे पास 0 कॉमा 4 और 4 कॉमा 0। इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। आइए ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। और बहुत ध्यान से समझेंगे भी। ठीक है। नाउ जैसे कि आप जानते हो, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,0 ये रहेंगे, ठीक है। नाउ हमें x और y मैक्सिमम 4 चाहिए, ठीक है। मैं एग्जैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4, ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 5, ठीक है। इसको यहां भी देख लेते हैं। This is point number 1, point number 2, point number 3, point number 4, point number 5, ठीक है। Now इसका काम मुझे लगता है खत्म हो गया, हटाते हैं इसको। तो ये हो गए सर मेरे पास पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। नाउ अब इसको प्लॉट कर रहे हैं, इसको प्लॉट कर रहा हूं, तो ये 0,4 है, मतलब x, y है। बोला x is 0 then y is 4, x is 0, अगर x हमारा 0 है तो y 4 है, तो 1, 2, 3, 4। बात समझ रहे हो ना, ये 1 है, 2 है, this is 3, this is 4, this is 5। ग्राफ पेपर में समझोगे तो और क्लैरिटी आएगी। दिस इज 1, 2, 3,
फोर फाइव। तो पहला पॉइंट है कि एक्स जीरो और वाई फोर, तो एक्स जीरो हो गया तो वाई कितना है फोर, पहला पॉइंट आएगा ये, ठीक है। दूसरा है अगर एक्स फोर है तो वाई जीरो है, यानी अगर एक्स फोर है ये तो वाई जीरो है, ये आ गया, ये दो पॉइंट्स आ गए आपके। मैं नाम दे रहा हूं, दिस इज पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट नंबर बी, ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट नंबर बी। नाउ अगर हमारी आ गए तो इसको मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहा हूं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला रहा हूं, ये आ गए मेरे दोनों पॉइंट्स। अब देखो बात क्या समझने वाली है, सर ये जो लाइन आई है ना, ये जो लाइन आई है, ये ही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर को, ये लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, सारे पॉइंट इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे, जितने भी, वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं, इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है, है ना, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला है, जो भी पॉइंट अगर मैं ले लूं, जो भी पॉइंट, जैसे अगर ये देखो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट का नाम लिखते हैं, ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये 1.3 है, चेक कर लो, चेक करो 1.3 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और वाई की वैल्यू कितनी है 3, यहां डालो ये 1.3 है, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 3, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, सेटिस्फाइड, ठीक है। इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को ले लो, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 2.2 है, यानी इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू भी 2 है, चेक करो, एक्स की वैल्यू 2 है प्लस वाई की वैल्यू भी 2 है, 2 + 2 इक्वल टू कितना 4। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन है, ठीक है, ये बात मैं नोट करके लिखवा भी देता हूं, ऑल द पॉइंट्स lies on the line satisfy the equation, ये इस equation को satisfy करेंगे, that's why इसीलिए they are the solutions ऑफ दिस इक्वेशन, ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। जैसे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाए, अपनी मर्जी से एक्स को जीरो ले लो वाई कुछ भी आ जाएगा, अपनी मर्जी से वाई को जीरो ले लो एक्स कुछ भी आ जाएगा, दो पॉइंट से आप लाइन बना लोगे। अब उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे 1.3 2.2 जितने भी आएंगे, दैट ऑल आर सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, बिकॉज दैट ऑल पॉइंट्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ दैट लाइन। क्लियर है, इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। कई बार जामिया ने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में, आप पेपर लेस करोगे तो दिखेगा, ऐसा ही एक ग्राफ दिया हुआ है और उस पर सवाल पूछे हैं। जैसे पहला सवाल, इज 2.2 लाई ऑन द ग्राफ, 2.2 उस पर लाई कर रहा है, आंसर इज यस, तो 2.2 इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरीके के सवाल पूछे गए, ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए, दैट इज दिस, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बात करते हैं। ओके नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन आप बना रहे हो, दिस लाइन शुड बी अ सॉलिड लाइन, दिस लाइन शुड बी अ सॉलिड लाइन। नोट्स में डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बात सर? ये जो लाइन आप बना रहे हो पॉइंट्स को मिलाने के लिए, ये लाइन सॉलिड लाइन होनी चाहिए। सॉलिड लाइन का मतलब सॉलिड लाइन ही इक्वालिटी रिप्रेजेंट करती है, सॉलिड लाइन ही रिप्रेजेंट्स द इक्वालिटी। ये जो इक्वल साइन है, ये इस लाइन, ये इस ग्राफ में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉलिड लाइन। ठीक है, दो तरीके की लाइन होती है, एक होती है सॉलिड लाइन ऐसी, एक होती है डॉटेड लाइन। दिस इज अ डॉटेड लाइन, दिस इज अ डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन है। तो सॉलिड लाइन इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करती है इक्वालिटी को, जबकि डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है इनइक्वालिटी को। दो लाइंस होती हैं, कई कई बार एएमयू 11th एंट्रेंस में भी ये सवाल आया है, चार तरीके के एबीसीडी में आपको ग्राफ दे देगा और पूछेगा विच इज द ग्राफ ऑफ इक्वालिटी। तो जिसमें सॉलिड लाइन होगी डेट इज द ग्राफ ऑफ इक्वालिटी, जिसमें डॉटेड लाइन होगी डेट इज द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी। अब एक नया वर्ड हमारे सामने आया है, डेट इज इनइक्वालिटी, इसको समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे चल रहा हूं। सेम इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर हमारे पास रहेगी। ठीक है, नाउ अगर मैं एक्स प्लस वाई इज लेस देन फोर, ये लिखता हूं, एक्स प्लस वाई इज लेस देन फोर, दिस इज व्हाट, ये हमारी इक्वेशन तो नहीं हो सकती क्योंकि इक्वल साइन नहीं है, है ना? यहां पर हमारा इनइक्वालिटी का साइन है, और एक्स और वाई दो वेरिएबल है, और एक्स और वाई के हाईएस्ट पावर वन है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ लीनियर इनइक्वालिटी। बात समझ आ रही है? दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी, ये लीनियर इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि भाई जो शर्त है इक्वेशन होने की वो खत्म, इक्वेशन होने की शर्त क्या थी? इक्वल साइन होना चाहिए, इसके पास एक्स है चलेगा, वाई है चलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई दो वेरिएबल है, हम पढ़ भी यही रहे थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है चल रहे हैं। और क्या ये लीनियर है? हाँ भाई, एक्स की डिग्री वन है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज वन, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज वन, एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर वन है, हाँ जी है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, हाँ है, तो ये लीनियर है, ये दो वेरिएबल में लिखी हुई है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। बोलो क्या ये इक्वेशन है? ना, इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इक्वल साइन नहीं है, इक्वल साइन ही नहीं है तो इक्वेशन होने की शर्त खत्म, अब ये इक्वेशन नहीं है। ये क्या है फिर? अगर इक्वेशन नहीं है तो क्या लिख दिया आपने? भाई ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, इनइक्वालिटी, ये भी हमारा चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहां दे रहा हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। ये लीनियर इनइक्वालिटी है, लीनियर क्यों है? क्योंकि एक्स वाई की हाईएस्ट पावर वन है। ठीक है, दो वेरिएबल में क्यों है? क्योंकि एक्स वाई दो वेरिएबल। इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वेशन नहीं है, इक्वल साइन नहीं है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में या तो ये साइन होगा, या तो ये साइन होगा, ये साइन क्या है सर, क्या लिख दिया, ये साइन होगा। इस साइन का मतलब क्या? दिस इज लेस देन, लेस देन है ना, दिस इज मोर देन, मोर देन। ठीक है, दिस इज लेस देन, लेस देन,
और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, दिस इज व्हाट, दिस इज मोर देन, मोर देन और इक्वल टू, चार साइन, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। सर पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इलेवेंथ एंट्रेंस में और जामिया डिप्लोमा वाले पेपर में, डायरेक्ट डायरेक्ट ग्राफ देगा, तब बता पाओगे जब ये जानते हो दिस इज व्हाट, ये अगर जानते हो देन आप आंसर कर पाओगे, नहीं जानते नहीं। ठीक है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है, चार तरह की इनइक्वालिटी होती है, दिस इज, दिस इज, दिस, दिस। ठीक है, ये जो साइन है ये लेस देन का साइन है, ये जो साइन है वो मोर देन का साइन है, ये जो साइन है वो लेस देन और इक्वल टू का है, ये जो साइन है वो मोर देन और इक्वल टू का है। अब आप पहले वाले को देखो, जो मैंने लिखा है, मैं लिखा है एक्स प्लस वाई, पहले वाले साइन का यूज किया है इसका, और फिर आगे फोर लिखा हुआ है, पढ़ा कैसे जाएगा, पढ़ा कैसे जाएगा, आओ देखते हैं। इसको हम पढ़ेंगे कि एक्स प्लस वाई इज लेस देन, इज लेस देन फोर, ऐसे पढ़ा जाएगा, बार बार नहीं लिखेंगे ना, अभी तो मैं आपको पहली बार बता रहा हूं इस वजह से लिख रहा हूं। पढ़ा कैसे जाएगा, मतलब क्या है, मतलब क्या है, x plus y is less than 4, यानी x plus y की जो भी वैल्यू आएगी वो 4 से कम आएगी, 4 नहीं आ सकती, उससे ज्यादा नहीं आ सकती। क्या 4.1 आ सकती है, ना। क्या 4.2 आ सकती है, ना। क्या 4.3 आ सकती है, ना। क्या 4 आ सकती है, बिल्कुल नहीं भाई। इक्वल कहां है, इक्वल तो ये था x plus y equal to 4, यहां x plus y करने पे 4 आएगा, चेक कर लो, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 0 और 4 4, 4 और 0 4, क्यों आ रही है, क्योंकि equal sign है। ठीक है, जबकि यहां पर x plus y is less than 4, x plus y की वैल्यू 4.1 ना आ सकती, नहीं आएगी, 4.2 भी नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आएगी, 4 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है, क्योंकि less than चाहिए। x plus y क्या 3.99999 आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्योंकि 3 पॉइंट कितने भी 9 लगा दो, कितने भी लगा दो, 3.9999999 इज ऑलवेज लेस देन 4, 4 से छोटा है ना भाई, 3.92 आ सकती है, हाँ 4 से छोटा है, 3.8 आ सकती है, हाँ 4 से छोटा है, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4 सब कुछ आ सकते हैं, लेकिन 4 और उससे बड़ा नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 4.1 नहीं आएगा, 4.2 नहीं आएगा, 3.99 आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लेस देन, कि x plus y जो है ना वो 4 से छोटा आएगा, x plus y is less than 4, 4 से छोटा आएगा, बड़ा नहीं आ सकता, बराबर नहीं आ सकता। अब इसके ग्राफ में और इसके ग्राफ में क्या फर्क आएगा, आओ देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, x plus y is less than 4 का ग्राफ बना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गई हमारे पास x एक्सिस रोटेटेड, ये हो गई हमारे पास, थोड़ा टिल्ट है ना ये, ये हो गई हमारे पास x एक्सिस और ये हो गई मेरे पास बाई एक्सेस, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमें एक्स और वाई के दो पॉइंट्स बिल्कुल वैसे ही निकालने हैं जैसे यहां लिखा लेते, यहां लिखा लेते, एक बार एक्स जीरो लिया था, वाई फोर आया, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम तरीका, कुछ नहीं करना। अगर मैं, आप ये मान के चलो ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर है, ये हम एज्यूम कर रहे, मान रहे, एज्यूम क्यों कर रहे, ताकि हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाए। ठीक है, तो यहां x 0 होगा तो y 4 होगा, अभी पढ़ाया है, y 0 होगा तो x 4 होगा। ठीक है, दो पॉइंट आ गए, एक आ गया 0.4, दिस इज पॉइंट ए, एक आ गया पॉइंट बी 4.0। जैसे दो पॉइंट्स निकालना सिखाया बिल्कुल वैसे ही दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। आइए जी प्लॉट करते हैं, तो अगेन मुझे रूलर की जरूरत है, ठीक है, तो गैप दो दो कर लेते हैं, दो ठीक है,
देखो बहुत ध्यान से समझेंगे, दिस इज वन, दिस इज टू, थ्री, फोर, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दोनों पॉइंट को मार्क करेंगे, ए है 0.4, यानी एक्स 0, वाई 4, दिस इज ए 0.4, एंड बी है 4.0, एक्स 4 और वाई 0, दिस इज बी, ठीक है, ये आ गया हमारा बी पॉइंट, ये आ गया हमारा ए पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल, अब बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था और आपको लिखवाया भी है पीछे वाले पेज पे, यहां पर मैंने बोला था कि हमारे पास जो इक्वालिटी का ग्राफ है दिस शुड बी अ सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन होनी चाहिए क्योंकि वही इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हम यहां क्या बना रहे हैं, यहां हम इनइक्वालिटी बना रहे हैं, तो भाई इनइक्वालिटी जब बनेगी तो सॉलिड लाइन नहीं बल्कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होनी चाहिए, सॉलिड लाइन से नहीं, यानी यहां पर जब इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ोगे, यहां पर जब इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ोगे ना, इसको और इसको, इसको और इसको, तो वो एक डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे ऐसे, ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए, दिस शुड बी अ डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन ही हमारा क्या दिखा रहा है, डॉटेड लाइन ही हमारा इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटेड लाइन होनी चाहिए, सवाल जनरेट हो रहे हैं नोट्स में धीरे धीरे, कैसे, वहां पर जो ग्राफ था वो सॉलिड लाइन का था, सिर्फ लाइन के ऊपर बात हो रही थी, यहां जो भी हम पॉइंट्स ले रहे थे, जो भी पॉइंट्स ले रहे थे वो कहां ले रहे थे, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन ले रहे थे ना, लाइन के ऊपर, जबकि यहां पर जो हम पॉइंट्स लेंगे वो लाइन के ऊपर नहीं आएंगे, चेक करके देख लो, अगर मैं यहां 2.2 ले लेता हूं, अगर 2.2 ले लेता हूं तो 2+2 कितना हो गया 4, लेकिन 4 तो 4 के बराबर है, हमें 4 से छोटा चाहिए, जब भी हमारा लेस देन का साइन होगा, जब भी हमारा लेस देन का साइन होगा, जब भी लेस देन का साइन होगा ये वाला, तो जो ग्राफ शेड होगा, शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो शेडिंग हमेशा ओरिजिन की तरफ होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, तो ओरिजिन कौन है, ये वाला पॉइंट है 0.0, तो ग्राफ शेड कैसे करूं, ग्राफ शेड कैसे करूं, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, यानी ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है, देख पा रहे हो, ये ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ऐसे करोगे अगर शेड ऊपर की तरफ, यू वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा, वो नेक्स्ट का ग्राफ है, बाद में देखेंगे, पहले इसको समझो, दो बातें बताई, एक तो डॉटेड लाइन इनइक्वालिटी दिखा रही है, डॉटेड लाइन का मतलब कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं आएगा, अब कहां जाएगा, क्योंकि लेस देन है तो शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स प्लस वाई इज लेस देन 4 को, कैसे, एक प्रूफ देता हूं आपको, इसके अंदर लाइन के ऊपर नहीं, क्योंकि सॉलिड लाइन नहीं है, डॉटेड लाइन है, तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी, मैं ये वाला पॉइंट उठा लो, ये वाला पॉइंट उठा लो, इसका नाम लिखते हैं क्या, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है, 1.0, 1.0 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, चेक करो, एक्स की वैल्यू 1 डालो, वाई की 0, 1+0 1, क्या 1 4 से छोटा होता है, हाँ, 1.0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट ले लो, इसको ले लेते हैं, इस पॉइंट पे x कितना है 0 और y कितना है 2, यानी x डालना है 0 और y डालना है 0+2 0+2 2, क्या 2 4 से छोटा है, हाँ, ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स इस रीजन में लाई करेंगे वो सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, एंड डेट पॉइंट्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ डेट इनइक्वालिटी, तो यहां लिख लीजिएगा डॉटेड लाइन एंड शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, तो हमने इक्वालिटी की बात कर ली, इसकी बात कर ली, नेक्स्ट क्लास में हम 2, 3, 4 ग्राफ की बात करेंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके डाउट है प्लीज हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमारी पूरी टीम उस पर काम कर सके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।